उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बताते चले कि 20,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि जनपद कासगंज के पटियाली और एसओजी पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अभियुक्त, जिस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था, उसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनामी बदमाश जनपद एटा का निवासी बताया जा रहा है। बताते चले गए बदमाश का एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की स्प्लेंडर बाइक सहित 1,65,000 रुपये भी बरामद किए हैं। सर, ये थाना पटियाली क्षेत्र अंतर्गत जो पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 11/12/2023 में प्रभारी निरीक्षक पटियाली की टीम को यह सूचना मिली कि पटियाली क्षेत्र में सिरपुरा से आते हुए कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। इस सूचना पर उनके द्वारा चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान रामपुरा नहर पुलिया पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, एक स्प्लेंडर गाड़ी पर। इनका पीछा करने पर एक लगभग 250-300 मीटर आगे जाने के बाद उन पर पलट के फायरिंग की गई। आत्मरक्षा हमारी पुलिस टीम के द्वारा उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। जिससे पूछा गया तो वह अपना नाम सहदेव उर्फ शिवम, निवासी छोटी जदारी, थाना जंथरा, जनपद एटा का बताया, जो स्प्लेंडर पर था। एक इसका साथी रात का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ है। इस जो घायल अभियुक्त है, इसके कब्जे से एक बैग जिसमें 1,65,000 रुपये नकद, उसके अलावा इसकी जेब से 750 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही एक तमंचा, साथ 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो भागा हुआ बदमाश है ब्रजेश, उसकी तलाश जारी है। अन्य जानकारी करने पर पता चला कि इसके ऊपर करीब करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनकी हम जानकारी कर रहे हैं। साथ ही यह थाना गंज डुडवारा का 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। अन्य कार्यवाहियाँ प्रचलित हैं। जो घायल अभियुक्त है उसको वास्तविक इलाज हॉस्पिटल भेजा गया है। अन्य विधिक जानकारी की जा रही है, आपको अवगत कराया जाएगा।